इन्होंने दिल के साथ अपना लगा लिया, इनको सुकून हो रहा है इससे। आप लोग इस तरह के प्रोग्राम देखने के लिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बर्ड पैराडाइज की अवेयरनेस प्रोग्राम की तरफ से आयशा भी हमारे साथ है, और आयशा इसको शायद कबूतर पहले समझेंगी, पहले इसको कबूतर समझ रही थी, हाथ पर बिजनेस की तरफ ले जाते हैं, हम लोग लेकर जा रहे हैं चोश की तरफ। बच्चों मजा आ रहा है आप लोगों को? चोश नहीं नजर आ रहा, बहुत मजा आ रहा है। कैसा लगा आपको वीडियो बनाना? क्यों हमने फाइनली इनका डर खत्म कर दिया, भाई के लिए बड़े बड़े खत्म हुआ है। अभी हमारी बहन फजर हमारे साथ हैं और उनको हम लोगों ने म्यूटेशन सिखाई है। फजर आपने पहले ऐसी चीजें देखी है, क्या रिएक्शन है आपका? आई मीन वॉक आपने, लेकिन अंडे वगैरह इनके फुल खाए हैं, फूल जाती किया, लेकिन आपको इनका पता नहीं है क्योंकि बाहर से इम्पोर्ट किए गए हैं। हमारे पाकिस्तान का भी काफी अच्छी ब्रीड है, लेकिन ये डिफरेंट चीज है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन है, आप लोग देख रहे हैं HFN एंटरटेनमेंट। बर्ड पैराडाइज की तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम एक चल रहा है, जिसके अंदर यहाँ पर डॉग्स का डर खत्म किया जा रहा है। जितने भी यहाँ पे परिंदे लेके आए हुए हैं, जिसमें खुरखाप आ जाती है, पिजन्स आ जाते हैं, पीकॉक आ जाती हैं, तितर वगैरह बहुत कुछ है, जो कि लोगों को बताया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है कि यार ये कौन कौन सी ब्रीड्स हैं, इनको रखा करने जाते हैं, खाते क्या हैं। तो आप लोग वीडियो साथ देखें, और अगर इस तरह का शोज वगैरह आप भी अटेंड करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम लोग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम से पहले से अनाउंसमेंट किया करेंगे कि कहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम होगा। तो आपको टाइम नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा उसकी मदर है ना, वो उसकी मदर है, आप उसको अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। अब आप इसे खा सकते हैं, कुछ नहीं है। नाम आपका? डर तो नहीं लगता है इनसे प्यार करने? चलो टच करो उसके साथ, अच्छा लग रहा है। पप्पी उठाने उठाओ, इसको ऐसे पकड़ते हैं, देखो ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे एक हाथ नीचे, एक हाथ नीचे रखो, कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? डर रहा है ये बहुत ज्यादा, अच्छा तो फील हो, डर लग रहा है? डर लग रहा है, कुछ भी नहीं कहेगा, बहुत प्यारा है ये, है ना? डरती हैं लोग, नहीं आपको डर लगता है? कैसा लगा? अच्छा लगा? अच्छा नहीं है? अच्छा है ना? बच्चे मान के सुन रही है, लेकिन वो जो बड़े वाली है उसको मजा आ रहा है। तो हम इनका डर खत्म करने लगे हैं लोग से, आप इसका जैसे बच्चा उठाते, ये इसके बच्चे हैं, ये इसके बच्चे हैं, क्या फील हो रहा है? पिस्ता, क्या फील हो रहा है आपको? इन्होंने दिल के साथ अपना लगा लिया, इनको सुकून हो रहा है इसे, दिल के साथ लगा के। अच्छा ये सॉफ्ट है, कैट्स में सही नहीं बात है, डॉग स्ट्रॉन्ग होते हैं, कैट्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। कर लो टच कर लो, तो ये बर्ड पैराडाइज की तरफ से शो हो रहा है, HFN एंटरटेनमेंट के प्लेटफॉर्म पे शो को आप देख पा रहे हैं। बेटा कैसा लगा आपको? बहुत प्यारे हैं सारे एनिमल, इतने प्यारे हैं। सबसे अच्छा एनिमल कौन सा लगा आपको? ये पपी। बाकी ये जो बर्ड्स नजर आ रहे हैं आपको, पैरट्स वगैरह, पिजन वगैरह, ये पहली दफा देखे हैं? डन हो गया। ये बर्ड का पता है, बर्ड कौन सा आपको? पहली बार देखा है। ये क्या चीज़ है, आपको क्या लग रहा है? ये पिजन, पीकॉक, ये चिकन है, ये चिकन ब्रीड है, ये चिकन ब्रीड है, चिकन है जिसके आप अंडे खाती हो ना, ये वो है। तो
इधर आओ इधर। हमारी बहन आई है और हम सब पूछते हैं क्या चीज है, क्या हो सकता है, बात है, हवा है, दिक्कत हो गया, क्या चीज है। मैं आपको पहले दिखा मुर्गी होगी, आप उनके अंडे खा लेती सुबह सुबह पहले, मुर्गी होगी क्या बेटा, आपको पता क्या चीज है। अभी बच्चों को पता ही नहीं क्या चीज़ है, अवेयरनेस दे रहे हैं। तो ये चिकन ब्रीड है जो कि इम्पोर्ट की गई है जर्मनी से, इसको फीकी कहते हैं, इसके हेयर की वजह से ऐसा करने की जरूरत है, फीमेल तो यहाँ पे अभी आप क्राउड वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी देर तक हम लोग लोगों के साथ बने रहे हैं, बातें बूतें करते रहे हैं। ये हमारे सात भाई हैं, कैसे हैं सात भाई आप? अल्लाह का शुक्र जी। मैं साउंड के लिए माजरत चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर था, मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग आ जाएंगे। बस ये हसन भाई, ये आप हमारी मोटिवेशन है और आप हमारा एक लाजमी पार्ट है। कहीं पे ऐसा हो नहीं सकता कि बर्ड्स की प्रेजेंटेशन हो और हसन भाई को हम ना बुलाएं। वैसे मजा आया आज? हाँ जी। कैसा आया, क्या क्या आया, क्या बताएं? असल में आज का जो था ना ये हमारी प्रेजेंटेशन, इसका ज्यादा फायदा ये हुआ कि स्टूडेंट्स जो है ना हमारे पास, हम लोगों ने बिजनेस को प्रमोट नहीं किया, बच्चों में अवेयरनेस देनी थी, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमने बच्चों को बताना है कि ये क्या चीजें हैं। हम लोग कभी भी इस चीज में बिलीव नहीं करते कि नौसलबाजों की तरह ये कहें कि एक अंडा लो, मुर्गी लो, उसके 8 बच्चे निकलेंगे, 20 बच्चे निकलेंगे, फिर पता नहीं क्या तुम्हारा महल बन जाएगा। हाँ, ये एक अच्छा कारोबार है, बहुत अच्छा बिजनेस है, बट असल में ये हेल्दी एक्टिविटी है। पहले शौक करो, पहले शौक, अगर फायदा होता है तो बेच दो, कौन मना कर रहा है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, आप उन्हें सेल करके एक्सपेंस निकाले और फिर उसको आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा। अगर आप डायरेक्ट बिजनेस माइंड के हिसाब से 100-100 पीस ला के रख लेंगे, अगर आपको तजर्बा नहीं, बीमारी भी चलवाएंगे, खुद भी बीमार हो जाएंगे, टेंशन ले लेंगे, ब्लड प्रेशर। भाई मैं आपके रेफरेंस से एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि हमारे बच्चे जो आजकल सोशल मीडिया एडिक्शन हो गई है ना, छोटे से छोटा बच्चा भी है तो वो मोबाइल फोन यूज कर रहा होता है। तो मैं हर पेरेंट को ये कहूंगा कि वो अपने अगर बच्चों को बर्ड्स रख के देते हैं, एक तो उनमें केयरिंग एटीट्यूड डेवलप होगा, उसको दाना डालेंगे, पानी डालेंगे, उनमें एहसास और केयर आएगी। दूसरे नंबर पर उनके उनमें एक ये वाला एप्टीट्यूड आएगा कि भाई उन्होंने किसी चीज़ की केयर करनी है, किसी बर्ड को दाना डालना है, पानी डालना है, लिहाजा वो एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बींग बनेंगे। बिल्कुल। प्लस उनका जो स्क्रीन टाइम है वो कम होगा, सो इट्स अ वेरी हेल्दी थिंग खास तौर पे बच्चों के। और बच्चों को मैंने जहाँ तक देखा है, बहुत बच्चे आए हुए हैं, बहुत खवातीन आई हुई हैं, लेकिन उनको चिकन का नहीं पता कि ये चिकन है या कुछ और चीज है। कोई कबूतर उसे कह रहा है, कबूतर पड़ कहते हैं कि तोते की कौन सी नस्ल है। हाँ, ऐसे ही है। इसके ऊपर खड़ा करें जरा, इसको देखें, हशियन पाउडर, ये बिल्कुल एक मुर्गी जितना बड़ा कबूतर है और अभी फुल एज में नहीं है माशाल्लाह, वो काटे हुए हैं। तो मेन मकसद इस काम का ये था कि अवेयरनेस मिले लोगों को, थोड़ा आइडिया हो जाए। और ये जो एक पागलपन की तरह है ना कि कारोबार बढ़ाओ बच्चे, हर कोई नहीं कर सकता। पहले शौक करें, नेचर से प्यार करें, इनकी खिदमत करें, इनको पालें, कैथारसिस करें, अपने आप को रिलैक्स करें इनको देख के। और बड़े बड़े मशहूर साइकियाट्रिस्ट जो है ना, जब लोगों को कोई जहनी बीमारियां हो जाती हैं, कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाते हैं, तो बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट कहते हैं कि आप कोई जानवर रखो, कोई पैट रखो, क्योंकि इनको अगर आप हाथ लगाते हो आपको एक कैथार्टिक इफेक्ट मिलता है। सही बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सनकने और हैं, जावा हैं, उसके बाद ये फैशन पाउडर्स हैं, फिर पॉलिश हैं, ये भाई हैं जो कि मुँह छुपा रहे हैं अपना, बहुत बहुत कुछ है यहाँ पे। लेकिन हम लोग शाह साहब नेक्स्ट टाइम ये करेंगे कि वन बाय वन करके सारी आइटम्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, क्योंकि इस बार हमने ज्यादा डॉग्स के ऊपर जोर दिया और चिकन के ऊपर दिया है, इसके अंदर हमारे बर्ड्स रह गए हैं। आइडिया नहीं था कि ये शो जो है ना ये काफी बड़ा और नेक्स्ट टाइम अवेयरनेस ज्यादा अच्छे से देंगे इंशाल्लाह। हालांकि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सुरखाब भी है, मतलब स्टूडेंट जिसको कहते हैं सुरखाब के पर लगे हुए हैं। अभी लोगों से पूछे सुरखाब के पर की मिसाल देते हैं, पता किसी को नहीं सुरखाब होता क्या है। तो असल में सुरखाब ये होती है, ये सुरखाब है। यहाँ पे दखनी चीता है जो कि हमारे पाकिस्तान में पाया जाता है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। तो हमारे चैनल के जरिए आपको बहुत कुछ आगे पता चलने वाला है।